अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफात। आज मुझे एक्चुअली रेसिपी बनानी थी, जैसे समथिंग कुछ वेज में, बट मैं बना ही नहीं पाई, मैं उठ ही नहीं पाई क्योंकि 2-3 दिन से, ईद के बाद से ही मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी सी उठा ही नहीं जा रहा है। शायद ईद की रमजान की पूरी थकान है कि क्या मैं सो रही हूँ और खा रही हूँ, दैट्स ऑल। और मेरा ये पूरा आई डोंट नो एकदम पकड़ा गया है, बहुत पेन हो रहा है। शायद कल से बनाऊंगी। आज भी मेरे पास थोड़ा सा बिरयानी, हम लोग क्या करते हैं ना, 2-3 दिन की एक साथ बना लेती हूँ मैं तो, और फिर हम लोग 2-3 दिन खाते रहते, तो आज भी थोड़ी सी बिरयानी, और गर्मी का टाइम है तो थोड़ी सी खाना कम ही खवा रहा है, तो बिरयानी थोड़ी है, अभी मैं उसे गर्म कर लूंगी। और मैं आज भी रेस्ट ही कर रही हूँ, तबीयत बहुत ज्यादा डाउन लग रही है मुझे तो। हाँ बस चलते हैं फिर आगे। तो इसके लिए सोचा मैंने ब्लॉग बना दूँ, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बिरयानी में गरम कर रही हूँ, क्विकली गरम हो जाएगी तो निकाल दूंगी, बढ़िया सी बिरयानी मेरी। तो बस यहाँ खा रहे हैं हम खाना। डायरेक्टली मैंने भतीली ऐसी ही रख दी क्योंकि उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी बाउल या उसमें निकालूं, तो फटाफट बस नीचे बैठ गए हम खाना लेके और खा रहे हैं। चलिए आइए, बोलिए बिस्मिल्लाह मेरे साथ। हम दोनों तीनों मिलके खा रहे हैं। अभी थोड़ा सा खाने के बाद बस रेस्ट कर लूंगी 1-1.5 घंटा, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगी तबीयत। चलिए शाम का वक्त हो चुका है, असर की नमाज पढ़ ली है मैंने और अब बस चाय चढ़ा रही हूँ। तो सब चाय जरूर पीते, मेरी अभी भी नहीं बहुत दुख रही है। उसके बाद मैं थोड़ा सा अजान को पढ़ाऊंगी, लेट्स सी। उसको तो अगर मैं बीमार रहती हूँ तो उनको तो बड़ा वो मिल जाता है कि टीवी देखते रहो अखा टाइम मेरा। मैं उसको पकड़ूंगी और उसको पढ़ाऊंगी। ये देखिए, मैं बता रही थी ना, ये महाराजा अपना टीवी सिंहासन पर बैठ के टीवी देख रहे हैं क्योंकि मम्मा अभी पढ़ाने वाली नहीं है फिलहाल, तो बस अभी टीवी देखो और खाते पीते रहो। यहाँ पर ये सारे जो बर्तन हैं मैंने निकाले थे, ये अभी ऊपर चढ़ाने हैं। और यहाँ पर अभी शाम हो गई, थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, तो अजान के लिए मैं ना थोड़े वर्ड्स निकाल के रख रही हूँ ईडी वाले, सो दैट मैं उसे पढ़ा पाऊँ। तो मैंने इसको पकड़ लिया है अजान को। तुम इतना भागते क्यों हो पढ़ाई से? उनकी टीचर मुझे चलाती है थोड़ी। पर मैं टीचर, अभी तो फिलहाल मैं टीचर हूँ ना, मैं टीचर हूँ ना अभी। मम्मा कहाँ कुछ बोलते हैं। अभी मैं तो यहाँ पढ़ाने की बात कर रही हूँ आपको, कि मैं यहाँ पढ़ाती हूँ तो आप क्यों भाग जाते हो बार बार और नहीं पढ़ते हो? इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाई करना बस साइड वर्ड ही अच्छा लगता है मुझे। सिर्फ साइड वर्ड अच्छा लगता है। वैसे साइड वर्ड है ना, बहुत ही इजी तो है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साइड वर्ड मैं इसे रोज पढ़ाती हूँ और माशाल्लाह इसकी जो रीडिंग है वो बहुत बेहतर हो गई है और अच्छी हो गई है इनफैक्ट। तो साइड वर्ड इज वेरी गुड। तो ये सारे साइट वर्ड्स ये रोज पढ़ता है, तुमको अच्छे लगते हैं ना साइट वर्ड्स पढ़ने के लिए? और अब जैसे मैंने ईडी वर्ड्स लिखे हैं, आईएनजी वर्ड्स लिखे हैं, तो वो हेल्प करते हैं इन्हें बच्चे लोगों को रीड करने में। तो चलो साइट वर्ड कम स्टार्ट करो। आई थ्रो ए इज दीज डोज ऑन ऑफ अस डू एंड ही गो एट मी लाइक कैन सी। अभी फिलहाल अजान को मैंने पढ़ा लिया, अब मैं पका रही हूँ। रात के लिए खाने के लिए कुछ है नहीं फिलहाल, दोपहर में हमने बिरयानी खा ली थी, अब मैं बना रही हूँ मेमनी फ्राई। वैसे ये जो आलू की फ्राई है वो बहुत क्विकली बन जाती है, झटपट बन जाती है, इजी भी है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए इसकी तो मुझसे कहिएगा, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम जरूर शेयर करूंगी। चलिए
क्विकली मैंने मेमनी फ्राई बना लिया, आप इसे आलू की सब्जी भी कह सकते हैं, और ये बन चुकी है और मैं गर्मा गर्म इसे सर्व कर रही हूँ। वैसे अरफात और अजान के लिए मैंने रोटी बनाई है, उन दोनों को रोटी के साथ दूंगी, और हम भी रोटी के साथ ही खाते हैं वैसे तो इसे, लेकिन ओवर द ईयर्स ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है कि मैं क्या करती हूँ, ये फ्राई जो है आलू की फ्राई को, ये सब्जी को लाल वाली को, आलू वाली को, इसको मैं दो ब्रेड के बीच में ये जो आलू की फ्राई डालकर उसके अंदर थोड़ा सा सॉस जो आता है ना टमाटर सॉस वो लगाकर उसे खाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों इस तरीके से मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यूजुअली हम इसे रोटी के साथ खाते हैं, हाँ गर्मा गर्म रोटी के साथ। बस तो आज का दिन यही था, आज मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो मैं आपको ज़्यादा ऐसा कुछ दिखा भी नहीं पाई। मैंने सोचा छोटा सा एक ब्लॉग बना लूँ एवरीडे में हम क्या करते हैं, और वैसे आप मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है, हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, बराबर हैं कि नहीं, आपके कमेंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हम जब व्लॉग बनाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। मुझे स्पेशली आप लोगों से जानना है कि क्या मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, व्लॉग सही है कि नहीं। बस आप लोग मुझसे शेयर करते रहिए कि क्या आपको अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, और आप मुझसे ये भी शेयर कीजिए, बताइए कि आप क्या चाहते हैं हम किस बारे में व्लॉग्स भी आगे बनाएं, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, कुल मोमिन मुसलमान के लिए दुआ कीजिएगा। मैं भी आप सब जो भी देख रहे हैं उन सबके लिए दुआ करूंगी, सबकी मुश्किलें आसान हो जाए और सबको अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और सबको सबकी रोजी में बरकत दे, आमीन। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।